वेरी सीवियर साइक्लोन जो अभी जो अवस्थान जो है सेंट्रल बे ऑफ बंगाल एंड एडजॉइनिंग साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल, डिस्टेंस के और दूरत्व के हिसाब से देखें तो ये कॉक्स बाजार से 900 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट और सिटुई जो एक जगह है म्यांमार की एक्सट्रीम नॉर्थ कोस्ट में वहाँ से 83 किलोमीटर साउथ साउथ वेस्ट में है, मतलब अभी भी काफ़ी दूर में है। पूर्वाभास जो दिया जा रहा है मूवमेंट जो होगा इसका नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्ली अर्थात उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में अग्रसर होगा। होने का टाइम ये इसका जो इंटेंसिफिकेशन जो है ना वो और थोड़ा बढ़ेगा और ये जो वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म है ये इट विल कन्वर्ट इनटू ए एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। लेकिन एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म होने का बाद भी इसका मूवमेंट रहेगा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट टूवर्ड्स साउथ ईस्ट बांग्लादेश एंड नॉर्थ म्यांमार कोस्ट एंड इट विल क्रॉस कोस्ट बिटवीन कॉक्स बाजार ऑफ बांग्लादेश एंड कियाकटी ऑफ म्यांमार क्लोज टू सियाटी ऑफ म्यांमार 14 आफ्टरनून अर्थात दिन के बाद जो दोपहर टाइम है उसी टाइम में। एट द टाइम ऑफ क्रॉसिंग कोस्ट जब ये क्रॉस करेगा तब विंड स्पीड रहेगा 150 टू 160 किलोमीटर पर आवर गस्टिंग 170 किलोमीटर पर आवर दैट इज एज अ वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म। इस सिस्टम के से बंगाल में कोई वार्निंग नहीं है सिवाय फिशरमैन वार्निंग। जो फिशरमैन है उनको बहुत पहले से बोला जा रहा है फिर भी और एक बार 14 तारीख तक कोई मछली पकड़ने के लिए बाहर नहीं जाएंगे समंदर में। बारिश और जो स्क्वाली विंड जो वार्निंग है दैट इज ओनली फॉर द अंडमान एंड दैट टू नॉर्थ अंडमान मेनली अंडमान आइलैंड्स के लिए। अंडमान आइलैंड्स के लिए 12 तारीख आज लगभग सभी जगह पे बारिश की संभावना है और एक दो जगह पे भारी बारिश की भी संभावना है और स्क्वाली विंड स्पीड जो है 50 टू 60 किलोमीटर पर आवर गास्टिंग मैक्सिमम ऑफ 70 किलोमीटर पर आवर। और उधर भी 14 तारीख तक जो अंडमान कोस्ट में जो फिशरमैन है उनको भी बोला है नॉट टू वेंचर इन टू सी अर्थात समुद्र में मछली पकड़ने के लिए नहीं जाएगा। लोकली दिस सिस्टम से हमारा इधर ऐसा तो कोई वार्निंग है नहीं लेकिन कल 13 तारीख कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स एंड एडजेसेंट कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ गैंडेटी कोस्ट बंगाल में थंडरस्टॉर्म और साथ में हल्का से मध्यम वर्गीय बारिश होने की संभावना है। और आगे 15 और 16 ये जो दो फोर्थ एंड फिफ्थ डे में वेस्टर्न पार्ट का कुछ डिस्ट्रिक्ट में कुछ हिस्से में हीट वेव अर्थात तापो प्रभाव का सतर्कता जारी किया। 15 में जो हीट वेव है मेनली बांकुड़ा पश्चिम बर्धमान बीरभूम ये जगह पे और 16 में थोड़ा सा स्प्रेड और बढ़ेगा ये तीनों जिला तो रहेगा इसके साथ वेस्ट मिदनापुर साथ में मुर्शिदाबाद ये सब अर्थात कुछ जिला पे 15 और 16 हीट वेव की भी वार्निंग जारी किया गया। पहला तीन दिन 12, 13, 14 इन तीन दिन कोई सिग्निफिकेंट चेंज है नहीं टेम्परेचर का जो चल रहा है लगभग वही चलेगा 15 से थोड़ा सा इंक्रीज होगा और जो जिला का नाम मैंने बताया उस जगह पे दो एक जगह पे हीट वेव का वार्निंग जारी किया गया। नॉर्थ बंगाल में एज सच 12th and 13th बहुत कुछ है नहीं लेकिन 14 से थोड़ा सा थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी की संभावना है और ये धीरे धीरे हमारे चैनल सब्सक्राइब करिए।